इस जेएसटी न्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, वो ये है कि सर मैं फाइनेंशियल 2018-19 में एक इनवाइस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेना भूल गया हूँ, तो क्या मैं 2019-20 में इसे क्लेम कर सकता हूँ? यदि हाँ तो मैं किस डेट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? इसके बारे में हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपको जीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 को रेफर करना है, जो कि यह बताता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कंडीशन है। इस सेक्शन 16 में सब सेक्शन 4 दिया गया है। जब आप इस सेक्शन को नीचे जाके देखेंगे जहाँ पे कि बताया गया है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस डेट तक क्लेम कर सकते हैं। चलिए सेक्शन को पढ़ते हैं। ये सब सेक्शन 4 सेक्शन 16 का ये कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट पर्टेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इस प्रकार ये सेक्शन यह कहता है कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट दी होगी जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने के लिए, उस डेट तक आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है गुड्स पर या फिर सर्विसेज पर वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एनुअल रिटर्न को उस डेट से पहले फाइल कर देते हैं तो उस डेट तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने के लिए सितंबर मंथ की ड्यू डेट क्या है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 29/2019 सेंट्रल टैक्स रेफर करना है, जिसमें कि बताया गया है कि जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के पीरियड के लिए जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। इस केस में बताया गया है कि महीना ख़त्म होने के बाद 20 तारीख तक आपको जीएसटी 3B को फाइल करना होता है, यानी कि जुलाई 2019 की जीएसटी 3B 20 अगस्त 2019 को जाएगी, अगस्त 2019 की जीएसटी 3B 20 सितंबर 2019 तक जाएगी और सितंबर 2019 की जीएसटी 3B 20 अक्टूबर 2019 तक जाएगी। इस प्रकार आप 20 अक्टूबर 2019 को ड्यू डेट मानेंगे जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए। इस प्रकार आप 20 अक्टूबर 2019 तक जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया था। इसमें जो है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर सरकार के द्वारा पास किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप किस डेट तक क्लेम कर सकते हैं, यानी कि मार्च 2019 के लिए जो ड्यू डेट दी गई थी जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने के लिए, उस डेट तक आप 17-18 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जो ड्यू डेट है उसे एक्सटेंड नहीं किया है। यहाँ पे ड्यू डेट अभी भी यही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इस प्रकार जो क्वेश्चन था कि क्या टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकता है, जी हाँ आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आप 20 अक्टूबर 2019 तक क्लेम कर सकते हैं जीएसटी 3B के जरिए, यानी कि जब सितंबर मंथ की आप जीएसटी 3B को फाइल करेंगे 20 अक्टूबर 2019 तक, तो उसमें आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगस्त मंथ की जब आप जीएसटी 3B को फाइल करेंगे तो उसमें भी क्लेम कर सकते हैं पिछले महीने का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेकिन यदि आप एनुअल रिटर्न इन डेट से पहले फाइल कर देते हैं तो आप उस डेट तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जो एनुअल रिटर्न है वो 1 सितंबर 2019 को फाइल कर देते हैं, तो उस डेट से पहले ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए फॉर्मेट नोटिफाई नहीं किया है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप जो है 20 अक्टूबर 2019 तक पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट
जीएसटी के एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी नाइन में क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो वो सिर्फ आप जीएसटी थ्री बी के जरिए ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप जब जीएसटी थ्री बी की रिटर्न को जीएसटी के पोर्टल पर फाइल करते हैं तो उसके बाद ही आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है, जहाँ से कि आप अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस कर दिया है और आप सितंबर 2019 के लिए जो जीएसटी थ्री बी को फाइल करने की ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं करते हैं, यानी कि 20 अक्टूबर 2019 तक, तो उस केस में आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस वक्त जीएसटी का पोर्टल आपको उसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देगा जो कि आपके जीएसटी 2A में अपीयर होगा, यानी कि आपका जो सप्लायर है यदि वो जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी R1 की रिटर्न को फाइल कर देगा तो उसके बेस पे आपकी इनवाइस जीएसटी R2A में जो रिफ्लेक्ट होगी, जिसके बेस पे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने जीएसटी R3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम कर लिया है और आपके सप्लायर ने जो इनवाइस आपको दी है उसका जीएसटी R1 में अपलोड नहीं किया है उसे, तो उस केस में आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जीएसटी 3B में वो आपको रिवर्स करना होगा और इसके साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना होगा जब आप जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी काम आपके लिए ये है कि आप फाइनेंशियल 2018-19 का पूरे साल का जीएसटी 2A चेक करें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी इनवाइसेज हैं जो कि आपके सप्लायर ने तो अपलोड कर दी हैं और जीएसटी 2A में अपीयर भी हो रही हैं, बट जिनका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है जीएसटी 3B में। उस केस में आपको एक्शन लेना है और 20 अक्टूबर 2019 तक जीएसटी 3B में उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना है यदि आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा केस हो सकता है कि आपने आईटीसी तो क्लेम कर लिया है जीएसटी 3B में, लेकिन वो इनवाइसेज सप्लायर के द्वारा अपलोड नहीं की गई हैं जीएसटी 1 में, जिसकी वजह से कि वो जीएसटी 2A में अपीयर नहीं हो रही हैं। उस केस में आपको फॉलोअप लेना है अपने सप्लायर के साथ कि वो आपकी इनवाइसेज जो है वो अपलोड कर दे जीएसटी 1 में। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद आप डैशबोर्ड में जाएंगे और रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अप्रैल से लेके मार्च तक की अपने जो है जीएसटी 2A उन्हें डाउनलोड कर लेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि मंथ वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो जीएसटी 2A है वो आ रहा है जीएसटी 2A, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जीएसटी 2A को एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सेल फाइल को जनरेट कर लें और डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे जो है वो सेव करें और उसके बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ उन्हें कंपेयर करें। जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट एक्सेल फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो फाइल रिक्वेस्ट है वो जीएसटी पोर्टल के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी और 20 मिनट के बाद वो फाइल आपके पास अवेलेबल होगी। इस प्रकार आपको मंथ वाइज जीएसटी 2A को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इस केस में टाइम लगेगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा, तो आप ये रिक्वेस्ट अभी से डाल दें और जब सभी फाइल आपके पास उपलब्ध हो जाएं जीएसटी 2A की तो उन्हें एक फाइल में कंसोलिडेट कर लें। इस प्रकार पूरे फाइनेंशियल ईयर की फाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, उसे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ कंपेयर करें, यानी कि जिस हिसाब से आपने अपनी जीएसटी 3B में आईटीसी को क्लेम किया है उसके साथ आपको रिकनसाइल करना है। इसके अलावा फाइनेंशियल 2018-19 का जब आप रिटर्न फाइलिंग पीरियड के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी 2A के नीचे ही यहाँ पे कंपैरिजन दिया होगा कि कितनी लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की है और आईटीसी क्लेम किया है। ये जीएसटी पोर्टल के द्वारा बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें कि आप ये पता कर सकते हैं कि कितना आईटीसी आपका जीएसटी 2A में आ रहा है और कितना आईटीसी आपका जीएसटी पोर्टल पे आपने जीएसटी 3B में क्लेम किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितनी लायबिलिटी आपने जीएसटी 1 में डिक्लेयर की थी, कितनी जीएसटी 3B में डिक्लेयर की थी और उसका क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार कितना आईटीसी आपने जीएसटी 3B में क्लेम किया था और कितना आईटीसी आपका जीएसटी 2A में आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं कि किस महीने में डिफरेंस आ रहा है, उस महीने के में आप सप्लायर से जो फॉलोअप कर सकते हैं, या यदि आपने आईटीसी कम क्लेम किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर यहाँ पे ये टेबल दिए गए हैं लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट रिवर्स चार्ज, लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, लाइबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड SEZ सप्लाई, आईटीसी क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू। आप इन्हें भी चेक करेंगे। यह है आईटीसी क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू मंथ वाइज यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि जीएसटी 3B में हमने क्रेडिट 5213 का
क्लेम किया था, लेकिन जीएसटी टू में 4846.39 आ रहा है, तो जो शॉर्टफॉल है यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे इस महीने में जो एक्शन लेना है, अगले महीने में जो जीएसटी थ्री बी में मैंने क्लेम किया था और जो जीएसटी टू में आ रहा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इस केस में मुझे एक्शन नहीं लेना है कोई। तो इस प्रकार आप ये मंथ वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस महीने में जो क्रेडिट है उसका डिफरेंस आपका आ रहा है। यहाँ पे आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मैंने वेब जीएसटी सॉफ्टवेयर के साथ टाई अप किया है कि हमारे सब्सक्राइबर को जीएसटी सॉफ्टवेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सके। यदि आप डेमो को ट्राई करना चाहते हैं तो उस केस में मुझे ईमेल कीजिए taxseal@gmail.com। यदि आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बचेंगे। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।